स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट के जो पॉसिबल एमसीक्यूज हैं उनकी बात करेंगे। देखिए, वैसे बहुत ही वाइड एरिया है एल्गी या शैवाल, इसमें हम कुछ भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसमें क्या आएगा। पेपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से जो बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो उनमें से 30 एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर एक साथ में लेकर आई हूँ, जिससे मेरी और आपकी सभी लोगों की हेल्प होगी। आई होप ये जो एमसीक्यूज हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। एग्ज़ाम के बाद मेरी आपसे ये एक जानने की कोशिश रहेगी कि इसमें से कितने एमसीक्यूज जो हैं वो एग्ज़ाम में आए। प्लीज़ एग्ज़ाम के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। तो आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इनमें मैंने कुछ एमसीक्यूज लिए हैं, जिसमें पहला जो एमसीक्यू है वो ये है, हाउ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इज डन, मीन्स शैवालों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। और इसके जो ऑप्शंस हैं वो है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्रेगमेंटेशन बाय गैमेट्स एंड प्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर्स, मीन्स दो युग्मकों के संलयन द्वारा, खंडी भवन द्वारा, बाय गैमेट्स यानी कि युग्मकों के द्वारा, और प्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर्स यानी कि जल बीजाणुओं के निर्माण द्वारा। तो देखिए, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ये तो हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो जाहिर सी बात है ए तो इसका आंसर नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडी भवन जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और बायगैमेट्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया। तो प्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर यानी कि जल बीजाणुओं का निर्माण जो है वो इसका आंसर हुआ। तो इसका जो ये क्वेश्चन था कि शैवालों में अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, तो शैवालों में अलैंगिक जनन जो है जल बीजाणुओं के प्रोडक्शन के द्वारा होता है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि जो ब्राउन एल्गी है वो कहाँ पर रहती है। तो ज़्यादातर जो ब्राउन एल्गीज हैं या भूरी शैवाल जो हैं वो कहाँ रहती है, फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में यानी कि झरनों में, फ्रेश वाटर लेक्स में यानी कि झीलों में, कूल कोस्टल वाटर ऑफ ओशियन यानी कि जो समुद्र हैं उनके ठंडे पानी में, और वार्म कोस्टल वाटर ऑफ ओशियन यानी कि समुद्र के गर्म पानी में। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, कूल कोस्टल वाटर्स ऑफ ओशियन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ जूस्पोर्स एंड सेकंड वन इज कूल कोस्टल वाटर ऑफ ओशियंस। थर्ड जो है वो है रेड एल्गी डिफर फ्रॉम द ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी इन हैविंग, मींस जो लाल शैवाल हैं वो हरे शैवाल और भूरे शैवाल से किस तरीके से अलग होते हैं या उनमें किस प्रकार से विभिन्नता होती है। इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें से ए है नो फ्लैजिलेटेड स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल्स, मतलब इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कशाभी की अवस्था नहीं पाई जाती। बी इज नो क्लोरोफिल ए, मीन्स इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होता। सी इज नो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स, मतलब कोशिका विभेदन नहीं पाया जाता। एंड डी इज हीमोग्लोबिन विद इन देयर सेल्स, यानी कि इनकी कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ऑप्शंस की बात करें तो पहला जो ऑप्शन है नो फ्लैजिलेटेड स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि इनके जीवन चक्र में किसी भी प्रकार की कशाभिकाएं या कशाभिकीय अवस्थाएं नहीं पाई जाती है। क्लोरोफिल ए सभी एल्गीज में पाया जाता है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। कोशिका विभेदन भी सभी प्रकार में पाया जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। और उसके बाद है नो हीमोग्लोबिन विद इन देयर सेल्स, हीमोग्लोबिन तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता, मेमल्स के अंदर या ह्यूमंस में या अदर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर पाया जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जो है विच वन इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क, यानी कि इनमें से निम्न में से कौन है जो पॉन्ड सिल्क के रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर है स्पायरोगायरा। ठीक है, इसके बाद है अगार अगार इज ऑब्टेंड फ्रॉम, तो अगार अगार जो है वो बेसिकली रेड एल्गा से प्राप्त होता है। तो अगार अगार इनमें से किस से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए इज जेलिडियम कॉर्नियम, बी इज ग्रेसिलेरिया लाइकेनोइडेस एंड सी इज हाइफिया एंड डी इज ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन, कोई एक सिंगल भी आता है तब भी उसे हमें याद रखना है, और अगर ये तीनों ही इसमें ऑप्शन एक साथ आ रहे हैं तो हमें ऑल ऑफ द अबव पर राइट लगाना है। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल पिगमेंट ऑफ फियोफाइसी इम्पार्टिंग डिस्टिंक्टिव ब्राउन और ऑलिव ग्रीन कलरेशन टू द थैलस इज, यानी कि फियोफाइसी का वो कौन सा मुख्य वर्णक है जो इसके सुकाए को
भूरा या हरा भूरा रंग देता है? ऑप्शन ए इज साइफोनोजेंथिन, बी इज फ्यूकोजेंथिन, सी इज फ्लेवोजेंथिन एंड डी इज फाइकोइरिथ्रिन। तो इसका आंसर है बी, फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग रिपीट होते हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लें। इसके बाद है फ्लैजिला इन क्लोरोफाइसी आर, यानी कि क्लोरोफाइसी सवक के अंदर कशाभिका किस प्रकार की होती है? इसके ऑप्शन है ए इज विप्लिस टाइप, यानी कि प्रतोध प्रकार की, बी इज टिलसेल कूर्च प्रकार की, सी इज बेसल टिलसेल एंड एपिकल विप्लिस टाइप, यानी कि आधार पर कूर्च प्रकार की और शीर्ष पर प्रतोध प्रकार की, और डी इज यूजुअली एब्सेंट, यानी कि अनुपस्थित। तो इसका जो आंसर है वो है ए, विप्लिस टाइप की। विप्लिस या प्रतोध प्रकार की जो फ्लैजिला होती है वो सिंपल फ्लैजिला होती है, जिस पर किसी भी प्रकार के मैस्टिगोनेम्स या हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते। आप इन सभी के आंसर को डिटेल में जानने के लिए या इनके बारे में जानने के लिए आपको यूनिट फर्स्ट के सारे लेक्चर्स देखने होंगे, तभी आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। नेक्स्ट वन इज फ्यूजन ऑफ मैच्योर इंडिविजुअल्स विच डायरेक्टली एक्ट एज गैमेट, यानी कि ऐसे परिपक्व स्वतंत्र इंडिविजुअल्स का संलयन जो खुद ही युग्मक की तरह कार्य करते हैं, युग्मक की तरह एक्ट करते हैं। आंसर ए इज आइसोगेमी मीन्स स्वक युग्मन, बी इज होलोगेमी मीन्स पूर्ण युग्मन, सी इज ऑटोगेमी एंड डी इज कंजुगेशन, तो मीन्स संयुग्मन। तो इसका जो आंसर है, आइसोगेमी की बात करें तो आइसोगेमी में क्या होता है, आइसोगेमी में दो समान जो गैमिट्स हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, उन गैमिट्स के बीच में फ्यूजन होता है। ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी के अंदर भी सेम जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कंजुगेशन बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा होलोगेमी या पूर्ण युग्मन। तो होलोगेमी या पूर्ण युग्मन ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो खुद इंडिविजुअल हैं, जो सुकाएँ हैं, उनके जो माइसीलियम हैं, जो उन वो जो थैलस है वो खुद ही गैमिट के रूप में एक्ट करते हुए आपस में फ्यूज होकर के जायगोट या नई संतति का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट इज अ मोटाइल फ्लैजिलेटेड असेक्सुअल सेल इज, यानी कि एक चल कशाभिक अलैंगिक कोशिका इनमें से कौन सी है? एंथ्रोजॉइड यानी पुंधानी, जूस्पोर यानी चल बीजाणु, एंड्रोस्पोर यानी कि एंड्रो बीजाणु और एंडोस्पोर यानी कि अंतः बीजाणु। तो इसका आंसर क्या होगा? तो जब भी हम मोटाइल और फ्लैजिलेटेड की बात करते हैं तो उसका आंसर हमेशा होता है बी, यानी कि जूस्पोर। जूस्पोर या चल बीजाणु जो हैं ये मोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज ओगेमस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन, मतलब कि ओगेमस प्रकार का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किन में देखा गया है? तो इसके जो एग्जांपल हैं वो है जाइगनिमा, क्लेडोफोरा, क्लोरेला एंड वाउचेरिया। तो इसका जो आंसर है वो है, इसका आंसर है डी, वाउचेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन जाइगोनिमा। मैंने अपने लेक्चर में ये बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। तो यहाँ पर हम जाइगोनिमा की बात कर रहे हैं कि जाइगोनिमा में जो क्लोरोप्लास्ट है उसका शेप कैसा होता है। ए इज रेटिकुलेट मीन्स नेट लाइक, बी इज स्टीलेट यानी कि ताराकार, सी यानी कि कप शेप्ड कप के आकार का, और डी यानी कि रिबन शेप्ड यानी रिबन के आकार का। तो इसका जो आंसर है वो है स्टीलेट यानी कि तारे के आकार का। आप इन सबको डिटेल में जरूर एक बार देख लीजिए, मैं बार बार आपको कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इनको डिटेल में देख लेंगे तो उनके एग्जांपल के साथ साथ में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं लाना चाहती थी, मैंने जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे जो अब तक आ चुके हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर सम अप किया है। नेक्स्ट इज जायगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी कि युग्मनजी अर्धसूत्री विभाजन इनमें से किसका लक्षण है? एग्जाम्पल सॉरी ऑप्शन इज प्रोकैरियोट्स, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। तो इसका जो आंसर है वो है थैलोफाइट।
क्यों? क्योंकि जो थैलोफाइट्स होते हैं इनके अंदर युग्मनस के निर्माण के बाद में, जायगोट के फॉर्मेशन के बाद, उसमें फिर से मियोसिस होता है और मियोसिस के बाद में दूसरी जो स्टेज है गैमेटोफाइट स्टेज जो है उसका फॉर्मेशन होता है। जबकि हम अगर हायर प्लांट्स की बात करें तो हायर प्लांट्स में क्या होता है, जायगोट एक बार जब डेवलप हो जाता है तो जायगोट के डेवलपमेंट के बाद में वहाँ पर मियोसिस नहीं होता, जायगोट जो है उसमें माइटोसिस होता है और माइटोटिक डिविजन के बाद में वहाँ पर बहुत सारी सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है या भ्रूण का निर्माण होता है। जबकि थैलोफाइट्स या जो एल्गी या शैवाल हैं उनके अंदर भ्रूण का निर्माण नहीं होता। यहाँ पर दो अलग अलग पीढ़ियाँ जो हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो जाइगोटिक मियोसिस थैलोफाइट्स का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 13 इज पायरेनॉइड्स आर फाउंड इन एल्गी, अ पायरेनॉइड कंसिस्ट ऑफ, यानी कि पायरेनॉइड जो शैवालों में पाए जाते हैं वो कैसे बने होते हैं। इनके ऑप्शन है ए कोर ऑफ स्टार्च सराउंडेड बाय प्रोटीन, मींस स्टार्च की क्रोड के चारों तरफ प्रोटीन का पाया जाना, कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च यानी कि प्रोटीन कोर के चारों तरफ स्टार्च का पाया जाना, सी इज कोर ऑफ फैटी एसिड सराउंडेड बाय स्टार्च एंड डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो होगा बी कोर ऑफ प्रोटीन सराउंडेड बाय स्टार्च, यानी कि जो पायरेनॉइड है उसमें प्रोटीन कोर पाई जाती है जो कि स्टार्च के द्वारा सराउंडेड होती है, घिरी हुई होती है। नेक्स्ट इज सीलिया एंड फ्लैजिला आर एब्सेंट इन, यानी कि कशाभिकाएं और सीलिया जो है वो इनमें से किस में अनुपस्थित होते हैं। इसके ऑप्शन है ए रेड एल्गी, बी ब्राउन एल्गी, सी ग्रीन एल्गी एंड डी इज रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इसका जो आंसर है वो है डी रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। रेड एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी जो हैं, नीलहरी शैवाल जो हैं और जो लाल शैवाल हैं, इन दोनों में ही कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है। तो अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ आते हैं तो आपको दोनों को ही लगाना है, और अगर नहीं आते हैं तो रेड एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीपेस्ट एल्गी इन सी इज, यानी कि इनमें से कौन सी शैवाल है जो समुद्र में गहराई में पाई जाती है। ऑप्शन इज ए रेड एल्गी, बी ग्रीन एल्गी, सी ब्राउन एल्गी एंड डी गोल्डन एल्गी। तो इसका जो आंसर है वो है ए रेड एल्गी या लाल शैवाल। लाल शैवाल जो है वो समुद्र की गहराई में अलग अलग जगह पर अलग अलग रंग की दिखाई देती है। इनमें आर फाइकोसाइनिन और आर फाइकोइरिथ्रिन दोनों ही पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। जब ये सरफेस के ऊपर होती है तो सनलाइट इनको प्रॉपर मिलती है, तो उस समय आर फाइकोसाइनिन की वजह से ये ब्लू कलर की दिखाई देती है या सी ग्रीन कलर की दिखाई देती है। जैसे जैसे हम गहराई में बढ़ते हैं वहाँ पर सनलाइट पहुँचना कम हो जाती है और आर फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट के कारण ये लाल रंग की दिखाई देती है। तो डीपेस्ट एल्गी कौन सी हो गई, रेड एल्गी या लाल शैवाल। नेक्स्ट इज फाइकोइरिथ्रिन क्लोरोफिल ए एंड डी इनमें से किस क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है ए फियोफाइसी, बी रोडोफाइसी, सी जैंथोफाइसी एंड डी क्लोरोफाइसी। इसका आंसर है बी रोडोफाइसी। तो दोनों का आंसर मैं एक बार टिक कर देती हूँ। डीपेस्ट एल्गी इज रेड एल्गी एंड फाइको इरिथ्रिन क्लोरोफिल ए एंड डी जो है वो रोडोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा इज यूज्ड इन राइस फील्ड, यानी कि इनमें से कौन सा शैवाल है जो राइस फील्ड में, यानी कि चावल के खेतों में, धान के खेतों में यूज किया जाता है। ऑप्शन इज ए राइजोबियम, बी साइनोबैक्टीरिया, सी स्यूडोमोनास एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो है बी साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल। नेक्स्ट इज अ हाईली थिकंड नॉन मोटाइल स्पोर इज, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटे या अकशाबिक बीजाणु कौन से होते हैं। तो इसका आंसर है हिप्नोस्पोर यानी कि सुप्त बीजाणु, और जो सुप्त बीजाणु या हिप्नोस्पोर होते हैं वो एप्लेनोस्पोर के ऊपर ही बहुत ज़्यादा थिकनिंग की वजह से डेवलप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एल्गी रिच इन प्रोटीन इज, यानी कि कौन सी एल्गी है, कौन सी शैवाल है जिसमें प्रोटीन जो है वो बहुतायत से पाया जाता है। ऑप्शन इज ए यूलोथ्रिक्स, बी क्लोरेला, सी ऑसिलेटोरिया एंड डी स्पाइरोगायरा। तो इसका जो आंसर है वो है बी क्लोरेला।
क्लोरिला और स्पायरुलिना ये दोनों ही जो एल्गी है इसको पेस्ट के फॉर्म में जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं वो इसको पेस्ट के रूप में ले जाते हैं और अपने फूड के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो स्पायरुलिना है, स्पायरुलिना को जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है उसे बॉडी बिल्डर्स जो हैं एज ए प्रोटीन पाउडर उसका यूज़ करते हैं। स्पायरुलिना की टैबलेट एंड पाउडर दोनों ही मार्केट में अवेलेबल हैं और ये हर्बल प्रोडक्ट है तो आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इज द रेड एल्गा डिवॉइड ऑफ रेड पिगमेंटीज, यानी कि ऐसी कौन सी लाल शैवाल है जिसमें लाल कलर का वर्णक उपस्थित नहीं होता। कुछ ऑप्शन इज अ ग्रेसिलेरिया, बी बैट्रिकोस्पर्मम, सी पॉलीसाइफोनिया एंड डी लेमिनेरिया, एंड द आंसर इज बी बैट्रिकोस्पर्मम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगैरा, यानी कि स्पायरोगैरा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या अलैंगिक जलन है वो किसके द्वारा होता है। ऑप्शन इज ए बाय जूस्पोर जल बीजाणु के द्वारा, बी बाय हिप्नोस्पोर सुसुप्त बीजाणुओं द्वारा, सी बाय एप्लेनोस्पोर एंड डी इज नॉट इन द लिस्ट। तो इसका जो आंसर है वो है बी बाय हिप्नोस्पोर या सुप्त बीजाणुओं के द्वारा। नेक्स्ट इज पैरासिटिक एल्गा इज, इसके मतलब कि कौन सी शैवाल है इनमें से जो परजीवी है। तो इसके ऑप्शंस हैं ए सिफिल्यूरोस, बी यूलोथ्रिक्स, सी स्पायरोगायरा एंड डी इज क्लेमाइडोमोनास। यह है ए सिफिल्यूरोस। सिफिल्यूरोस जो है वो एक परजीवी एल्गी है और ये जो है टी और कॉफ़ी के अंदर रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफ़ी को कॉज करती है, जिससे इनकी पत्तियों के ऊपर जैसे जंग के निशान होते हैं उस तरह के निशान दिखाई देते हैं। और ये एक ऐसी एल्गी है जिसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेड मैंस फिंगर इज कॉमन नेम ऑफ, जब हमने हैबिटेट ऑफ एल्गीज पढ़ा था तब हमने इनके बारे में पढ़ा था। इनके ऑप्शन है ए अल्वा, बी कोडियम, सी ग्रेसिलेरिया एंड डी इज जेलिडियम। तो इसका जो आंसर है वो है बी कोडियम। कोडियम का जो स्ट्रक्चर है, इसका जो थैलस है वो ऐसे दिखाई देता है जैसे मरे हुए आदमी की अंगुलियां हो, तो इसलिए इन्हें डेड मैन्स फिंगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉट वाटर एल्गी इज, यानी कि निम्न में से कौन सी है जो हॉट वाटर में शैवाल पाई जाती है। ऑप्शन इज अ फॉर्मिडियम, बी साइटोनिमा, सी ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर नन ऑफ द अबव दिया है तो शायद आंसर वही होगा, लेकिन यहाँ पर नन ऑफ द अबव के साथ साथ ऊपर के दोनों ऑप्शन को भी सही बताया जा रहा है। तो इसका जो आंसर है सी वो सही है, यानी कि हॉट वाटर एल्गी कौन कौन सी है, फॉर्मिडियम एंड साइटोनिमा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई स्पॉट और स्टिग्मा कुड बी प्रेजेंट, तो जिसके ऑप्शन है यानी कि आई स्पॉट या द्रक बिंदु है, नेत्र बिंदु है, वो कहाँ पर पाया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन इज ए इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, बी आउटसाइड द क्लोरोप्लास्ट, सी ए एंड बी एंड डी इज ओनली ए, यानी कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जब हमने इसको पढ़ा था, हमने इस लेक्चर इसको सेल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था, तो सेल स्ट्रक्चर में ये पूरा क्लियर था कि आई स्पॉट और स्टिग्मा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेजेंट हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा inside and outside the chloroplast means A and B. Next is how much of photosynthesis occurred by the algae in total photosynthesis quantity, यानी कि पूरी जो पूरा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें से शैवाल के द्वारा कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। तो इसके ऑप्शन है A 10%, B 100%, C 20% and D is 50%. तो the answer is A 10%. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनोरी फूड प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम, यानी कि ओनोरी जो फूड है वो प्रोडक्ट किससे मिलता है। ऑप्शन इज ए अल्वा, बी मोनोस्टर्मा, सी स्पायरुलिना एंड डी स्पायरोगायरा। तो इसका जो आंसर है वो है बी मोनोस्टर्मा। तो ये जो ओनोरी है वो जापान में बहुतायत से खाया जाता है और ओनोरी फूड प्रोडक्ट जो है वो मोनोस्टर्मा नामक एल्गी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एग्स फ्रॉम हैंस फेड ऑन विथ सीवीड हैव इंक्रीज्ड आयोडीन कंटेंट, यानी कि मुर्गियों को हम निम्न में से कौन सी शैवाल खिलाएं जिससे जो इनका एग है यानी कि इनके जो अंडे हैं उनमें आयोडीन कंटेंट की बढ़ोतरी हो जाए, इंक्रीजन हो जाए। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है ए फ्यूकस, बी सागासम, सी एस्कोफिलम एंड डी
ए एंड सी. तो इसका जो आंसर है वो है ए एंड सी, मीन्स फ्यूकस एंड एस्कोफिलम. तो ये जो दोनों सी वीड्स हैं, जब इनको मुर्गियों को खिलाया जाता है तो उनके एग्स के अंदर आयोडीन कंटेंट बढ़ जाता है. क्योंकि ये सी वीड है और सी में जो नमक के सॉल्ट कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, इसलिए इनके अंदर आयोडीन कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है. तो हैंस जब इनको खाती हैं तो उनके एग्स के अंदर भी आयोडीन की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है. लास्ट टू क्वेश्चन है, पहला है इसमें से 29 नंबर का, विच एल्गा यूज एज ब्लड कॉगुलेंट, मतलब निम्न में से कौन सी शैवाल है जो खून को गाढ़ा करने में, रक्त को गाढ़ा करने में उपयोग में ली जाती है. ए कैरेगेनियन, बी अगार अगार, सी ए एंड बी, एंड डी ओनली ए. तो इसका जो आंसर है वो है कैरेगेनियन, यानी कि सिर्फ ए. कैरेगेनियन जो फूड प्रोडक्ट है वो एल्गी से मिलता है, अगार अगार के जैसा ही होता है, लेकिन अगार अगार को हम ब्लड कोगुलेंट के रूप में यूज़ नहीं करते, कैरेगेनियन को हम ब्लड कोगुलेंट के रूप में यूज़ करते हैं. एंड लास्ट वन इज, विच इज यूज्ड एज गॉज इन इंटरनेशनल इंटरनल ऑपरेशन केपेबल टू स्टॉप इंटरनल ब्लीडिंग, यानी कि इनमें से क्या है जिसे हम गॉज के रूप में, यानी कि रुई के रूप में यूज करते हैं ऑपरेशन के दौरान, जो कि जो आंतरिक ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का काम करता है. ऑप्शन ए इज एल्जिनिक एसिड, बी इज कैरेगेनियन, सी इज नन ऑफ दीज, एंड डी इज ओनली बी. तो इसका जो आंसर है वो है ए एल्जिनिक एसिड, यानी कि एल्जिनिक एसिड जो है इसे सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक कॉटन के रूप में, रुई के रूप में यूज किया गया था, और अब मेडिकल कॉटन के रूप में एल्जिनिक एसिड को यूज किया जाता है. तो आई होप ये आपको जो डाउट्स हैं वो आपके सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे. मेरे हिसाब से यूनिट फर्स्ट से यही पॉसिबल एमसीक्यूज बनते थे, इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं, लेकिन ये जो यूनिट है वो हमारी, अगर हम डिवाइड करते हैं तो इससे 6 या 7 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे उसमें मेन एग्जाम के अंदर आएंगे. तो ये बेस्ट 30 पॉसिबल एमसीक्यूज थे जो मेरे हिसाब से एग्जाम में आने चाहिए. एग्जाम के बाद प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसमें से कितने एमसीक्यूज जो हैं वो आपके उसमें आए. और भी डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं मेरे लेक्चर्स को देख करके. बने रहिए मेरे साथ में, अब हम जल्द ही सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे. तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़. थैंक यू.